हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। माय नेम इज़ मांडवी दुबे। तो आज हमारे पास जो नोटिफिकेशन आया है वो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आया है। इट इज़ अंडर मिनी रत्ना फर्स्ट कैटेगरी PSU। अगर हम इसकी बात करें तो इसे पहले पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी पॉक्सो के नाम से भी जाना जाता था। ग्रिड इंडिया लिमिटेड ने जो वैकेंसीज निकाली हैं वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की निकाली है इन द डिसिप्लिन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पर वैकेंसीज और रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो अभी टेंटेटिव दी गई हैं दैट इज़ 37, जो कि फिल्ड करी जाएंगी गेट 2025 के स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आपको गेट 2025 का स्कोर कार्ड होना चाहिए इन द डिसिप्लिन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अपर एज लिमिट जो दी गई है आपको वो 28 ईयर्स दी गई है, जो कि 31/7/2025 से काउंट होगी। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपके पास BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग, IDD इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री होनी चाहिए, जो कि डिसिप्लिन में होनी चाहिए किसमें, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल। ओके, यहाँ पर जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स मांगे हैं वो 65% मांगे हैं और इक्विवेलेंट CGPA। इसमें आपका कास्ट वाइज रिजर्वेशन भी होगा। इधर आगे बात करें तो यहाँ पर जो एलिजिबल होंगे वो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका रिजल्ट्स बाय 14/8/2025 तक आ जाना चाहिए। रिलैक्सेशन कंसेशन भी यहाँ पर काउंट होगा। अपर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर OBC और NCL कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स का है और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का है और एक्स सर्विस मैन और विक्टिम ऑफ राइट्स के लिए एज़ पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर हम इसमें ही आगे बढ़ें तो सिलेक्शन प्रोसेस पे अगर बात करें तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कंसिस्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 के अकॉर्डिंग होगा इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और गेट 25 के स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग होगा, प्लस ग्रुप डिस्कशन के से होगा और आपका पर्सनल इंटरव्यू भी काउंट होगा। आगे बढ़ें, यहाँ पर जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स वो उनका वेटेज रहने वाला है, उनका वेटेज कुछ इसके अकॉर्डिंग रहने वाला है कि उनका जो ग्रेड स्कोर कार्ड होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वो 85% के लिए काउंट होगा, ग्रुप डिस्कशन जो होगा वो 3% से काउंट होगा और जो पर्सनल इंटरव्यू होगा वो 12% काउंट होगा। तो टोटल आपका 100% ऐसे वेटेज बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें ही, अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होंगे वो आउट ऑफ 100 के अकॉर्डिंग होंगे। यहाँ पर आपका गेट 2024 का स्कोर कार्ड वैलिड नहीं माना जाएगा, आपको पहले गेट 25 में अपीयर होना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे विल बी प्लेस्ड एट E2 लेवल, जिनका पे स्केल जो होगा वो 50,000 to 1,60,000 के पे स्लैब में आने वाले हैं। यहाँ पर आपको इसके साथ साथ और भी गवर्नमेंट अलाउंसेज और बेनिफिट्स मिलते हैं। ये अच्छी बात होती है कि यहाँ पे PSUs में आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर हम इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यही है कि यहाँ पर मस्ट है कि आपको गेट 2025 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में का स्कोर कार्ड होना चाहिए, प्लस आप यहाँ पे अगर अभी आपने गेट 25 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी gate2025.iitr.ac.in पर जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर इसके बाद जो आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद इसका फुल नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएगा, फिर आप उसको फिल करके इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस ₹500 रहने वाली है, बाकी एज रिलैक्सेशंस के साथ यहाँ पे फीस रिलैक्सेशन में भी कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 18 ईयर्स और अबव आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग और बाकी आप यहाँ पर जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो जाएंगे पर्सनल इंटरव्यू में आपको यहाँ पे चॉइस दी गई है इंग्लिश एंड हिंदी में। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट होने वाला है वो गेट 25 के और रिजल्ट के बाद आएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इसी तरह अगर आपको कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ डू कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।